नमस्कार दोस्तों, छोले कुलचे हैं दिल्ली का अपना जायका, अपना स्ट्रीट फूड। यही वो डिश भी है जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की जाती है, इसके बनाने के तरीके को लेके, इसे सर्व करने के तरीके को लेके। आज दिल्ली में हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो बहुत मशहूर है अपनी छोले कुलचे की रेसिपी के लिए। कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, अलग तरीके से सर्व करते हैं। और भाई, मायापुरी वाले पहले इनका इंतज़ार करते थे दोपहर 1 बजे से। हाइप बना हुआ था कि कब आएंगे छोले कुलचे वाले भैया, 1 बजे आएंगे। बट अब भैया आ गए हैं अपनी एक परमानेंट शॉप में और टाइम भी इंक्रीज कर दिया है। दिखाते हैं आपको क्या है खास, भैया से मिलाते हैं, आइए मेरे साथ। हम आए हैं मायापुरी के फेमस छोले कुलचे आपको दिखाने। संडे का दिन है, वीकेंड है, देख लीजिए लोग अपनी प्लेट का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सेटअप बनाया है, शॉप बनाई है पीपल के पेड़ के नीचे और यहाँ पे बन रहे हैं छोले कुलचे। भाई हम आ गए सीधा करण भैया के पास, परमिशन भी नहीं ली हमने तो, और ये डाल दिया भैया ने आते ही मक्खन कढ़ाई पे और ये स्टीम उड़ गई और ये आ गई ढेर सारी प्याज। करण भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया धन्यवाद सबसे पहले तो कि आपने मुझे टाइम दिया इस वीडियो के लिए, इतना बिजी होने के बावजूद भी। वेलकम जी। और भैया सीधा बटर और प्याज, बाकी कुछ नहीं? कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, अभी टमाटर वमाटर डालेंगे। और भैया मैंने देखा मक्खन भी छुपा के नहीं डाला, सीधी टिक्कियाँ उठाई और सीधी खुला मक्खन खाऊंगा। खुला जितना खा सको उतना, यहीं पे आओ खाने के लिए, खुला मक्खन खिलाऊंगा पूरा मुल्क। तो मक्खन डालने में कोई कंजूसी नहीं, टमाटर में कंजूसी नहीं, प्याज में कंजूसी नहीं, खुला है जी सब कुछ, खुला दरबार है। तो करण भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि लोग आपको मायापुरी के 1 बजे ढूंढते थे, अब आपने मैंने सुना है प्रॉपर शॉप ले ली और उसके बाद टाइमिंग्स भी इंक्रीज कर दिए। 11:30 बजे से शाम के 6:30। 11:30 से 6:30 तक भाई अब ये मशहूर जायका करण भैया सर्व कर रहे हैं। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो नई दुकान के लिए। धन्यवाद जी। और ये आ गया मसाला, अजवाइन, कसूरी मेथी और भाई खुशबू जो यहाँ पे उड़ रही है ना, ज़बरदस्त है। मक्खन भैया ने मेल्ट भी नहीं होने दिया, टिक्कियाँ अंदर इसके अभी पिघल रही है। धीरे धीरे होएगा ना, बढ़िया हो जाएगा और डबल। ये नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची और गरम मसाला, हाँ मिक्स है ये। तो करण भैया आप बेसिकली फ्राइड कुलचे बेचते हैं जी? भाई खुशबू बहुत बढ़िया उड़ रही है यहाँ पे, पूरा एक्शन पैक काम हो रहा है। तवे की रंगत देखिए, टमाटर बिल्कुल लाल लाल भैया ने डाले हुए हैं और सबसे पहले छोले तैयार हो जी। जी ये आ गए छोले ऊपर। ये चटनी होती है पुदीने की, पुदीने की चटनी, हरी मिर्च और भी चीजें हैं। ये पूरी मेहनत कर रहे हैं भैया छोले पे। भैया छोले का मैंने देखा आपने बहुत कम पोर्शन लिया है, अभी डालेंगे ना। अच्छा, अभी इसमें और टॉपअप करेंगे, ये मिक्स करने के लिए डाले थे थोड़े से। ये भैया मिक्स कर रहे हैं छोले अपनी पुदीने धनिया की चटनी में और ये छोले का भगोना पूरा पलट दिया भैया ने तवे के ऊपर। करण भैया हाथों की मसल्स बन गई हैं इतनी मेहनत कर करके। एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, बल्कि एक्सरसाइज वाले जो एक्सरसाइज करके सीधा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ रहे हैं खाने के लिए। जिस खाने को बनाने में मेहनत जाए ना, वो खाना शरीर को लगता भी है जी। भाई बहुत ही बढ़िया सीन है, छोले अभी भैया तैयार हो गए हैं तो इनको उतार लेंगे भगोने में और फिर आएगा कुलचों का मैजिक। ऊपर से आ गई कसूरी मेथी और खुशबू इतनी प्यारी उड़ रही है ना भाई छोलों में से, बस पूछे मत। ये भैया ने अब छोले पलट लिए अपने भगोने में। करण भैया ये बताइए, ये एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया कहाँ से आया? ये ट्रीटमेंट में खुद ही करता रहता था ये। अच्छा, अभी भी बहुत तरीके के कुलचे दिमाग में बैठे हुए हैं जी। तो मतलब हमें आने वाले दिनों में कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं? हाँ मिल सकता है जी। क्या बात है। ये वाला एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसको खिलाया आपने? घर वालों ने खाया था सबसे पहले, फिर बल्कि रिश्तेदारों में भी दिया, फिर बढ़िया बताया था, फिर बाद में यहाँ पे लॉन्च कर दिया। प्रिपरेशन शुरू होगी भैया कुलचों की? जी जी। और बटर सीधा तवे पे। ये ढेर सारी मिर्ची और ये आ गई प्याज की बारिश। करण भैया ये बताओ, जब प्याज महंगी हो जाती है तब ऐसे ही खिलाते हो? खुला प्याज,
खुला प्याज खिलाते हो चाहे 200 रुपए किलो हो जाए। जी जी, टमाटर भी महंगा हो गया तो खुला टमाटर खिला रहे थे, 200-250 चल रहा था जब। मतलब कंजूसी कोई नहीं है, रेट चाहे जो भी हो रेट यही रहता है सेम। भाई ये देख लीजिए, ये डिवोशन है भैया का अपने कस्टमर्स के लिए कि स्वाद जरा भी नहीं बदलेगा, महंगाई चाहे जहाँ मर्जी पहुँचे। अब कुलचे के लिए भैया पहले तड़का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तड़के वाले कुलचे होते हैं ये दो। इसमें ये गया पनीर और टमाटर। जी भाई, कुलचे के तड़के में भी पनीर, टमाटर, प्याज, मिर्ची, बहुत सारा मक्खन। भैया के बिल्कुल हाथ नहीं रुक रहे हैं, मसल्स निकली हुई हैं बाइसेप्स की, इतनी मेहनत है इन कुलचों को बनाने में। और करण भैया, ये जो आपका तवा भरा हुआ है, इस पर लगभग कितने प्लेट तैयार होंगी? पता नहीं सर, कोई अंदाज़ा नहीं है, जब तक तड़का रहेगा कुलचे बनते जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और ये बटर और डाल दिया भैया ने। भाई बटर डलता जा रहा है, हाथ नहीं रुक रहे हैं बिल्कुल भी। मेरे सामने 3 टिक्कियाँ जा चुकी हैं। जी जी, बटर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, टमाटर प्याज के बीच में बेचारा पिघलता जा रहा है, और यही स्वाद देगा, यही नरम करेगा इस तड़के को। ये आ गई ऊपर से कसूरी मेथी, और ये भैया ले आए नीचे से कुलचे, और ये अब कुलचे स्टैक होंगे इसी तवे पे। थोड़ा सा पीछे से दिखाते हैं, कुछ ऐसा लग गया है अब तवा भैया का। उधर नींबू कटे हुए हैं, ये प्याज सलाद में दी जाएगी। करण भैया ने हमें अपनी किचन एक्सेस दे दी है, और ये देखिए बिहाइंड द कैमरा सीन्स कुछ ऐसा है। कुलचे स्टैक हो रखे हैं, और इस तड़के में कुलचे अब फ्राई हो रहे हैं धीरे धीरे, करारे हो रहे हैं अपने आप ही। क्या बात है। और भैया इधर छोलों में नींबू डाल रहे हैं, थोड़ा सा खटास, एक अच्छा फ्लेवर आएगा। तैयार हो गए? जी जी जी। और भाई ये देखिए प्लेट इस तरह से लगाई जाती है, कुछ सिल्वर फॉइल ली भैया ने, प्लेट में लगाई। ये पहले पैकिंग है, ये खाने के लिए। खाने के लिए भाई, जब तक भैया के यहाँ प्लेट्स बनती है, आप देख लीजिए क्राउड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं लोग। और ये लग रही है छोले कुलचे की बहुत ही प्यारी सी प्लेट, और तुरंत कस्टमर्स के हाथ में। पैकिंग कुछ इस तरह से की जाएगी कि होम फॉइल में कुलचे छोले जाएंगे, और भैया फिर इसको 5 घंटे गर्म भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटे तक गर्म रहेंगे पूरी गारंटी। क्या बात है भाई, कुलचे बहुत सारे हैं, और तड़का भी भैया ने वॉल्यूम से में बनाया है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए। खुशबू बहुत ही प्यारी उड़ रही है, और भूख भी हमारी एलिवेट हुई है। तो अब करण भैया से अपनी प्लेट लगवाते हैं, और आपको बताते हैं कैसा है स्वाद। करण भैया एक प्लेट हमारी लगा दीजिए। जी अभी लगा दो एक प्लेट। भाई जो देखने वाली चीज़ है ना यहाँ पे, करण भैया का 1 सेकंड भी हाथ नहीं रुका है। अगर तवे पे छोले कुलचे बन रहे हैं तो करण भैया उनके साथ लगे हुए हैं, अदरवाइज तवे को साफ कर रहे हैं या साइड में कच्चा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन पूरा एक्शन पैक काम है, ज़रा भी हाथ नहीं रुक रहा है। भाई ये आ गई हमारी छोले कुलचे की प्लेट, भैया ने इसमें दिए छोले, थोड़ा सा मिर्ची का अचार, नींबू, और ये एक प्यारी सी स्माइल के साथ सर्व करते हुए। थैंक यू भैया। ओके जी, वेलकम जी। ये हमारी छोले कुलचे की प्लेट, सबसे पहले तो ये रहे छोले, रंगत देखिए छोले की, जो टमाटर कसूरी मेथी का जो तड़का गया इसमें वो। ये रहे कुलचे, ये भैया ने तड़का अलग से भी दिया है, 3 कुलचे दिए हैं एक प्लेट में। और भाई कुलचों की शाइन देखिए, ये बटर में अच्छी तरह से नहलाए गए हैं। अब इसका टेस्ट करते हैं कैसा है, ये लेते हैं हम एक बड़ी सी बाइट। भाई कुलचे ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये हम छोले भरते हैं, इस पर रखते हैं छोटी सी प्याज, एंड हियर इज अ बाइट। वाओ भाई, मेरा मुंह ना पूरा फ्लेवर से भर गया है, जो बटर इन कुलचों ने पिया है ना, उसने स्वाद को बहुत एलिवेट कर दिया है। तड़के लगे हुए जो छोले हैं ना, उनमें एक अपना खुद का बहुत अच्छा फ्लेवर है, और ये एज अ कॉम्बिनेशन ये छोले कुलचे की टेस्ट ना बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैं इस डिश को या इस एक्सपेरिमेंट को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा,
लेकिन ये ओरिजिनली बहुत अच्छी आइडेंटिटी लेके आई है। और ये वाले छोले कुलचे खाने के लिए मायापुरी आना तो बनता है। तो हम ये प्लेट फिनिश करते हैं और वापस मिलते हैं करण भैया के साथ। भाई छोले कुलचे मैंने खा लिए, सही में ज़बरदस्त है। करण भैया ने बताया कि वो नमकीन और मीठी लस्सी भी देते हैं, तो मैंने इसे सेटल करने के लिए एक मीठी लस्सी ली है। हियर्स द सिप। भाई मैं च्यू क्या कर रहा हूँ, इस लस्सी में ड्राई फ्रूट्स हैं, मीठा बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम है, बादाम काजू के पीसेस आ रहे हैं, क्रंच आ रहा है इसमें, बहुत ही बढ़िया है। ज़बरदस्त लस्सी है ये। करण भैया थैंक यू सो मच, हमने खाए छोले कुलचे, भाई ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। वेरी वेरी वेलकम जी। और भैया मैं सिर्फ छोले कुलचे के लिए आया था, लेकिन ये ड्राई फ्रूट वाली लस्सी थी ना भाई, ये तो ज़बरदस्त थी। तो ये कब से शुरू की है भैया? ये जब से दुकान ली है जब से। अच्छा, ये हरियाणा की होती है। क्या बात है, हरियाणा की लस्सी है। और भैया आपने इसमें ड्राई फ्रूट डाला, ये तो पहली बार देखा है मैंने। उससे बड़े बड़े डालते थे, अब तो कस्टमरों ने मना कर दिया, जब छोटे छोटे करके डाले हैं भैया। लस्सी पूरे पूरे डालते थे, लस्सी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर दिया। और भाई एक्सपेरिमेंट ज़बरदस्त किया है करण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बेहतरीन स्वाद के लिए। और ये नई दुकान आपको खूब फले फूले, भाई कस्टमर्स की भीड़ सदा आपके पास ऐसे ही लगी रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू करण भैया, थैंक यू सो मच। क्रिकेट खेल के आ रहे हैं भैया? यस यस, हमारी टीम है दिल्ली डेविल्स की। अरे वाह, जनकपुरी की। तो जनकपुरी की क्रिकेट टीम है भाई, और मायापुरी में छोले कुलचे खाने आए हैं आफ्टर देयर मैच। तो भैया कैसा लगा आपको स्वाद? बहुत अच्छा है, काफी अच्छा टेस्ट है। तो आप रिकमेंड करते हैं कि संडे या किसी वीकेंड पे आके बढ़िया छोले कुलचे खाने हो तो मायापुरी के फेमस छोले कुलचे खाए जाए? यस यस, हमने तो गूगल पे सर्च किया छोले कुलचे वाला मायापुरी के फेमस। जी जी जी, बहुत डायरेक्ट लोकेशन भी डायरेक्टली मिली, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, लस्सी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू जी। नमस्कार। भैया मैंने आपको डिस्टर्ब किया जबकि आप बहुत ही जायकों में खोए हुए थे अपने छोले कुलचे की प्लेट में, सॉरी भैया। कोई बात नहीं भैया, कैसा है स्वाद? बहुत बढ़िया, मैं पंजाब से आया हूँ स्पेशल यहाँ पे खाने के लिए। पंजाब से आप आए हैं स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए? स्पेशल गिदड़वा से। क्या बात है भैया। और भैया कैसा लगा आपको स्वाद? एकदम सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। तो भैया आप रिकमेंड करते हैं कि अगर दिल्ली में बढ़िया छोले कुलचे खाने हो तो मायापुरी में करण भैया के पास आया जाए? इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है दिल्ली में। क्या बात है, कुछ छोले कुलचे खाना तो यहाँ पर ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच भैया, आप इंजॉय करें अपनी मील, आ जाओ आप भी खा लो। अभी आया भैया। भाई हमने खाए करण भैया मायापुरी वाले मशहूर छोले कुलचे, एंड ट्रस्ट मी दे आर वर्थ द हाइप। इनके बारे में जितना भी कहा जा रहा है ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद है, बेहतरीन जायका है। तो आप आइए मायापुरी के स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए। सुबह 11:30 बजे से अब ये दुकान खुल जाती है और ऑल 7 डेज ओपन है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप छोले कुलचे तो खाइए, लेकिन बाद में ये ड्राई फ्रूट वाली मीठी लस्सी ज़रूर पीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, आप भूल नहीं पाएंगे ये स्वाद। एंजॉय।